शुक्रिया बच्चे, तुम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हो। तुमने मुझ गरीब के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हमारा असली गुनहगार तो वो कामरान मिर्जा है, जो अपने जुल्म और खौफ के सारे अपनी हुकूमत चला रहा है। क्या चाल चली तुमने दोस्तान? कामरान मियां तो अक्के बक्के रह गए, पलक झपकते ही तुम चील के घोंसले से इसका शिकार ले उड़े। बेचारे कामरान को तो पता भी नहीं कि उसकी जड़ खोदने वाला उसी के महल में उसी की नाक के नीचे रहता है और वो उसे बाहर खोज रहा है। ये आपकी ही कोशिशों का नतीजा है कि 5 बार हमारा लगान लूट लिया गया। हमारे सामने से हमारे कैदी को भगा कर ले गए वो लोग, और ऊपर से इस्लाम शाह की तलवार हमारे सर पे लटक रही है। शाही ईरान ही हमारी एक आखिरी उम्मीद है। उनके मदद के बिना अपने मुल्क लौटने की हमें तो कुछ सूरत नजर नहीं आ रही। ये कमबख्त बैरम हर वक्त साए की तरह रहता है उस हुमायूं के साथ। जब तक ये इसके साथ है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फौरन जा और असला खाने में 500 तलवारें, जिरा बख्तर और ढालें साफ करके चमका दे। चाचा जान, ये तलवार सबसे अलग क्यों है और इस पर क्या लिखा है? इस पर आपके अब्बा हुजूर का नाम खुदा है। ये तलवार आपके अब्बा हुजूर बादशाह हुमायूं की है। ये आपकी पुश्तैनी तलवार है। अब ये तलवार देखो और ये तलवार की धार देखो। अकबर भाईजान, आप डरे हुए क्यों लग रहे हैं? अरे ये हम क्या कर रहे हैं? हम आपको डराने के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम यहाँ किसी और मकसद से आए हैं। किस मकसद से? दरअसल बात ऐसी है ना कि हमारे शहजादे को आपसे एक मदद चाहिए। मदद? हमसे? ऐसा क्या काम है शहजादे? हैरान मत होइए, हम वाकई आपसे मदद चाहते हैं। एक काम है जो आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा क्या काम है शहजादे? अकबर भाईजान, आप डरिए नहीं। हम आपको आसमान से तारे तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस आसमान में पतंग उड़ाने के लिए कह रहे हैं। हमारे लिए पतंग उड़ाने के लिए? हम? वो क्या है ना अकबर भाईजान, बात कुछ ऐसी है कि कुछ वजीरों के लड़के ने हमारे शहजादे को पतंगबाजी का मुकाबला करने की चुनौती दी थी और हमारे शहजादे ताव ताव में आकर चुनौती मान ली। बाजी अब इतनी बढ़ गई है कि जीतने वाला हारने वाले को 3 बार कॉर्निश बजाएगा। और सच ये है अकबर भाईजान कि हम पतंगबाजी में इतने माहिर नहीं है जितने आप हैं। तो अगर आप हमारी तरफ से पेंच लड़ाएंगे तो हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी और हमें पूरी जिंदगी उनके सामने। अरे अरे मायूस मत होइए शहजादे, अकबर के रहते ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी बात सिर्फ आपकी इज्जत की नहीं बल्कि हमारे महरूम बादशाह बाबर के खानदान की इज्जत दांव पर लगी हुई है। और अकबर भाईजान ऐसा नहीं 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 कभी नहीं होने देंगे। क्यों अकबर भाईजान? माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा शहजादे। हुजूर ने हमें इतना काम दिया है, पहले वो ख़त्म करना है। हमने कहा था ना आदम, अकबर भाईजान हमारी मदद कभी नहीं करेंगे, और करेंगे भी क्यों? हमने इनकी अब्बा हुजूर की शान में कम गुस्ताखियाँ की है क्या? क्या कुछ नहीं बोला हमने उनको? खैर अकबर भाईजान, आप हमारी मदद करें या ना करें, पर हम अपनी उन हरकतों के लिए शर्मिंदा है। चलिए शहजादे, जो होगा सो होगा। अगर किस्मत में मुगलिया खानदान की इज्जत का डूबना लिखा है तो यही सही, पर इन्हें कौन एहसास दिलाए कि मुगलिया खानदान में इनके अब्बा हुजूर बादशाह हुमायूं का भी नाम आता है। खैर जो होगा सो होगा, चलिए शहजादे। शहजादे, आ गया हाथ में, अब हमें बिना वक्त बिताए इसका काम तमाम कर देना चाहिए। अरे क्या कर रहे हो, जरा सोचो, इसे हम जिंदा कामरान मिर्जा जी के पास ले जाएंगे तो वो कितने खुश होंगे, और जैसे ही इसको अपने हाथों से मारेंगे तो उनके दिल को कितनी राहत मिलेगी, और इसके बदले हमें बहुत बड़ा इनाम भी देंगे। हुजूर बहुत नाराज होंगे, बहुत सख्त सजा मिलेगी हमें।
अरे नहीं, बल्कि जब हम उन्हें कहेंगे कि आपने उनकी खानदान की इज्जत बचाई है तो कितने खुश होंगे वो। इनाम भी दे सकते हैं आपको। चलो अपना दिमाग दूसरी चीजों पर मत भटकाओ, लीजिए पतंग उड़ाइए। आज आपको बाजी जीत कर दिखानी है, हमारी पतंग कटनी नहीं चाहिए। हमें बहुत डर लग रहा है, हमें काम पर वापस जाना चाहिए। हमारी बात का यकीन कीजिए अकबर भाईजान, हमारे नहीं तो अपने अब्बा हुजूर की इज्जत के लिए ही कर दीजिए। आज अगर आप मुकाबला जीत जाते हैं तो किसकी मजाल है आपको भगोड़े की औलाद बोलने की। क्यों आदम? हाँ हाँ क्यों नहीं, लीजिए पतंग उड़ाई। ये लीजिए। ठीक है शहजादे, हमारी पतंग नहीं कटेगी, आप बेफिक्र रहिए, ये वादा है हमारा आपसे। वाह भाईजान, पतंग तो आपके इशारों पर नाचती जा रही है, आप जिधर जाए उधर जा रही है। यही तो है उस्ताद का हुनर। क्या झोंका दिया है, कमाल का भाईजान। लेकिन सामने वाले कहाँ है, उनकी पतंग तो दिख ही नहीं रही है। लगता है बाकी लोग आपसे डर गए। आप उनकी चिंता मत करो, उन्हें तो मैं देखता हूँ। अब पतंग उड़ाइए। हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बेवकूफ हमारे जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। हुजूर, नाश्ता। काम था इस भगोड़े की औलाद को यहाँ तक पहुँचाना, सो हमने किया। इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाना चाहिए, इस तरह। अरे दिखाई नहीं देता। अरे भाई साहब छोड़िए, गलती क्या कर दिया। अरे भाई साहब गलती हो गई, जाइए ना भाई साहब, गलती हो गई भाई साहब, रहने दीजिए, जाइए ना। अरे भाई साहब रहने दीजिए भाई साहब, गलती हो गई भाई साहब। अरे अरे क्या हुआ, इतना घबरा क्यों गए? ऐसे लग रहा है जैसे हमने तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो। वो जरा मटके वाले का मटका फूट गया था तो बस इसलिए चिल्ला रहा था। हाँ हाँ मैंने देखा, कभी कभी हो जाता है ऐसा। चलो तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया जनाब, हम खुद कर लेंगे। अरे हाथ लगाई दिया है तो मदद कर देता हूँ, कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ना है। चलो उठाओ उठाओ, हाथ बढ़ाओ, चलो चलो उठाओ। बहुत बढ़िया, जाओ। रुको, ये क्या है, खून का धब्बा, ये कैसा? अरे नहीं जनाब, आपको धोखा हुआ है, ये तो अंगूरी शराब के निशान है और इसी निशान की वजह से ना हम ये कीमती कालीन बड़े सस्ते भाव में मिल गया। अरे क्या हुआ? ओ, गर्दन में मोच आ गई थोड़ी सी। कालीन बजनी है ना इसलिए, और ऐसे भी लगता है कि इसमें जैसे लाश लपेटी हुई है। अरे नहीं, कैसे बात करते आप, आप भी बड़े मजाकिया हैं। हम चलते हैं, शुक्रिया जनाब। या अल्लाह, हमेशा की तरह तुझसे बस एक ही दुआ करते हैं कि हमारे शहजादे अकबर की मुश्किलें खत्म कर देना, उन्हें अच्छे दिन देखने को मिले, उनकी हर बुरी बला हर बुरी नजर से हिफाजत करना, तेरा नूर उन पर हमेशा नुमाया रहे और ये नूर कभी बुझने ना पाए, बस इतनी सी इल्तजा करते हैं। आमीन।
क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही है? कोई भूत देख लिया क्या? ऐसे ही समझ लीजिए, अकबर की जान खतरे में है, आप जल्दी चलिए। हुआ क्या? सीधी तरह से बता। मैंने आपको कहा ना, अकबर की जान खतरे में, आप बस चलिए जल्दी। हमारा काम था इस भगोड़े की औलाद को यहाँ तक पहुँचाना, सो हमने किया। इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाना चाहिए। या अल्लाह, अकबर, अकबर! आलमपना तराए में भी नहीं है, बाजार में भी नहीं है, तो गए कहाँ? अरे क्या हुआ? वो गर्दन में मोच आ गई थोड़ी सी। कालीन वजनी है ना, इसलिए। और ऐसे भी लगता है कि इसमें जैसे लाश लपेटी हुई है। अरे नहीं, कैसी बात करते हैं आप भी बड़े मजाकिया हैं। ये तो आलमपनाह की जूती है। ये क्या किया हमने? हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कालीन में आलमपनाह को ही छिपा कर ले जा रहे थे वो दोनों। कहाँ है वो लोग? उनकी पतंग तो दिखी नहीं रही है। भाईजान एक काम कीजिए, उस चबूतरे के ऊपर चढ़ जाइए, शायद वहाँ से आपको उनकी पतंग दिख जाए। चबूतरे पे क्यों चढ़ना, और ढील देते हैं, पतंग ऊपर चढ़ जाएगी। आप डर गए भाईजान, लाइए मुझे दे दीजिए, हम चढ़ जाते हैं। पतंग कटे तो कटे, लाइए। अकबर, अकबर! रुकिए शहजादे। आपकी पतंग नहीं कटेगी, आप हटिए, हम चढ़ते हैं। चलो ठीक है, लेकिन आज से आप हमें हुजूर नहीं भाईजान कहकर पुकारोगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है कासिम भाईजान, ये लीजिए। अकबर, हुआ कहाँ भागी जा रही हो? क्या आप बताइए? कयामत आ गई मलिक, कयामत! अकबर, आई नहीं वो शिकी बात, तक्का धूम दबाकर भाग गए। नहीं नहीं भाईजान, वो लोग भागे नहीं है। आप पतंग पे ध्यान दीजिए, हम देखते हैं। आज इज्जत का सवाल है। संभालिए अपने आप को, बताइए तो सही हुआ। शहजादे, अकबर पीछे देखिए। बुलाते हैं, कोई आइए जल्दी से। अंगामी जान,
आप फिक्र ना करें, हम ठीक है। हजरा बेगम, हमारे बच्चे को बचाइए, हौसला रखिए माँ। हम क्या कयामत है, कहाँ गए सब लोग? ये कैसे हुआ मलिका, किसने धक्का मारा हमारे शहजादे को? शायद हम जानते ये किसने किया है। तेरे की अकबर, शहजादे संभल कर, हाथ मत छुड़ाना अपना। अम्मी जान कहां से आ गई? या अल्लाह, कहीं अम्मी जान ने हमें अकबर को धक्का देते हुए देख तो नहीं लिया, वरना आज हमारी खैर नहीं। देख भी लिया होगा तो क्या शहजादे, आप तो शहजादे हैं, आपका कोई क्या कर सकता है? और फिर सुल्तान तो आपको शाबाशी ही देंगे ना। मैं अब्बू जान से कोई डर नहीं, पर अम्मी जान का कोई भरोसा नहीं है, अगर उन पर भूत सवार हो गया तो अब क्या शहजादे? तो अब इस भगोड़े की औलाद को बचाना पड़ेगा। और क्या क्या हम और इस भगोड़े की औलाद को बचाएंगे? बचाने का दिखावा तो कर सकते हैं ना आधव। क्या समझे? अकबर, शहजादे संभल कर, हाथ मत छुड़ाना अपना। आपने पकड़ा है, मगर हम बहुत देर तक पकड़ नहीं पाएंगे, कुछ कीजिए अंगा विदान। या अल्लाह, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? हौसला रखिए माँ, हम अकबर को भी हौसला बंधाइए, रोने से कुछ नहीं होगा। अकबर, हमारा हाथ पकड़ लीजिए। अकबर, संभल कर, कासिम का हाथ पकड़ लीजिए बेटा, जल्दी करो। हमारा हाथ फिसल रहा है। या अल्लाह, माँ वो देखिए। या अल्लाह, इस पर अगर हमारा बच्चा गिरा तो? नहीं, अकबर दीवार मत छोड़िएगा, हिम्मत रखिए, हम अभी कुछ करते हैं। अरे कोई है, कोई तो आइए, कोई है? अरे कोई मदद कर दो हमारी, कोई जल्दी आइए, अरे कोई हमारे बच्चे को बचाओ। अकबर हाथ पकड़ो शहजादे का, वरना तुम गिर जाओगे। जाओ किसी को मदद के लिए बुलाओ जल्दी। जल्दी करो। पकड़े रखो अकबर, हम तुम्हें ऊपर खींचते। आधम, हम एक हाथ से नहीं पकड़ सकते, आप आइए और हमारी मदद कीजिए। जी शहजादे। अकबर दूसरा हाथ हमें दो। या अल्लाह, हमारी जान नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे की जान बख्श दे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम है ना। अकबर ज्यादा देर तक लड़का नहीं रह सकता, जल्दी से पत्थर उठाने होंगे। चलिए चलिए मेरी घर, चलिए जल्दी करिए। शहजादे संभल के पकड़े रहना। शहजादे पकड़े रहना, हाथ छोड़ना नहीं। हम अभी ये पत्थर हटाते हैं, वही हाथ हाथ पकड़े रखना। हमारे हाथ पकड़ा है। या अल्लाह, मलिका ये तो हिल नहीं रहा, एक काम करते हैं, आप हमारी मदद करिए। आइए
अब ये पत्थर पे गिरकर मर जाएगा। फुरात, आ छोड़। जज़ादे छोड़ना नहीं, दीवार पकड़े रहना। हमारा हाथ फिसल रहा है, पकड़ छूट रही है हमारी। जज़ादे छोड़ना नहीं, दीवार पकड़े रहना। अकबर, आगे खोलिए, उठिए शहजादे, उठिए। कहाँ चोट लगी? अकबर, शहजादे।